हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मैं आपको पॉलीटेक्निक लेक्चरर के लिए जो आपका वैकेंसीज आई उसका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको आज यहां पर आइडिया दे रहा हूं। सो देखिए, ध्यान से, कई सारे बच्चों का मैसेज आया, कॉल आया कि सर इसका जो सिलेबस है बहुत बड़ा सा है, ज़रा इसको एक बार आप ब्रीफ करें, किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या इसकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आपको इसका जो सिलेबस है उसको एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा लिखा हुआ है। सो लेट मी एक्सप्लेन ना सी। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बात करता हूँ, सो दिस इज़ वी हैव अ सिलेबस जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भारी भरकम सिलेबस लिखा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर उसकी बात करता हूँ, सब्जेक्ट की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपोनेंट्स एंड एनालॉग सर्किट्स। तो आप जब इस सिलेबस को पढ़ना चालू करेंगे तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सिलेबस में पूरा का पूरा आपका जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, साथ के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी एनालॉग डाल रखी है। अगर आप इसको अगर पढ़ें तो इसमें क्या एनर्जी बैंडिंग, सेमीकंडक्टर बैंड गैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, दियर एप्लीकेशंस एंड एक्टिव पैसिव डिवाइसेस एंड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, वेव शेपिंग सर्किट मतलब क्लिपर क्लैंपर हो गया, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी एफईटी मॉसफेट डिवाइसेस, बायसिंग स्कीम्स फॉर द बीजेटी एफईटी एम्पलीफायर, थायरिस्टर, वेरियस कॉन्फिगरेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर मॉडल, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सिग्नल स्टेज, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, रिव्यू ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बार क्वेश्चन क्राइटेरिया, आरसी ऑसिलेटर मतलब आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वीन ब्रिज, एलसी ऑसिलेटर, कोलपिट्स, नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर्स, पुश पुल एम्पलीफायर, ओप एम्प एप्लीकेशंस। तो आप देख पा रहे सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी कॉपी मैंने जो कुछ भी पढ़ाया सारा कुछ लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक को मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने देखा तो एक और टॉपिक इसमें कमी लिखे हुए इससे ज़्यादा मैंने पढ़ा रखा है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें पूरा ईडीसी है, पूरा एनालॉग है, या ऐसे कहो कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी मच बेसिक लेवल, बहुत कोई हार्ड नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। दायरा जरूर बड़ा है बट डेप्थ कम है। तो आप इन सारे टॉपिक देखिए, इसमें आप अगर देखें जैसे लास्ट में देखें तो लास्ट में केवल ऑसिलेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो जैसे बीजेटी एफईटी मॉसफेट है ना, उस क्या है ये, इसमें आपका इसकी बेसिक एनालिसिस आपको आनी चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, वो पढ़ना आपको है। और आपको कहीं ना कहीं क्या पढ़ना है, पर सेमीकंडक्टर पढ़नी है जो कि बेसिक है उसको जाने के लिए। तो और फिर यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन, जैसे कि फोटो डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, आपके पास टनल डायोड हो गया, एलईडी हो गया, ये पिन डायोड हो गया, ये सारे डायोड भी आपको पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का, जिसको मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें थोड़ा सा टॉपिक आपके पास कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, और यहाँ पर आपके वीएलएसआई टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग, ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये आईसी फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, है ना। तो इसको अगर आप देखिएगा, और इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है ना। देन वी हैव अ नेटवर्क थ्योरी एंड मशीन एंड बेसिक मशीन। अब देखिए, चूंकि सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो यहाँ जो मशीन आएगी कि बहुत कोई टफ नहीं आने वाली, बट स्टिल हल्का फुल्का आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप पढ़ सकते हैं। मेजरली इसमें नेटवर्क आपका है, डीसी सर्किट्स, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ जो कि आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना, डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है ना, आरएलसी सर्किट्स है, सॉल्यूशन ऑफ द नेटवर्क इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, टू पोर्ट नेटवर्क भी आपके पास है, ड्राइविंग पॉइंट ट्रांसफर फंक्शन भी है, स्टडी स्टेट साइनसॉइडल एनालिसिस भी है। तो आपके पास पूरा कंप्लीट नेटवर्क है, आप देख पा रहे होंगे, यानी एसी पढ़ना है, डीसी पढ़ना है। यहाँ पर कहीं भी थ्योरम का जिक्र इन्होंने नहीं किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, हाँ लिखा हुआ थ्योरम्स, यस सर्किट थ्योरम्स, तो सर्किट थ्योरम्स को भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो देखिए, बेसिक भी हो गया, थ्योरम भी हो गया, डीसी भी हो गया, एसी भी हो गया, ठीक है ना। तो पूरा ही आपको पढ़ना है, और थोड़ा सा आपका जो रुझान है वो ट्रांसफर फंक्शन की तरफ है, और साथ के साथ आप ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस ये भी आपको पढ़ना है, और टू पोर्ट नेटवर्क भी आपको देखना है। तो पूरा नेटवर्क है, मशीन इसमें ज़रूर लिखा हुआ है, बट मशीन का इसमें कुछ ऐसा पार्ट दिख नहीं रहा है और ना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से पूरा भरा पड़ा है, पूरा डिजिटल पढ़ना आपको, नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इंटीजर, फ्लोटिंग, पूरा मतलब आप देख सकते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन सर्किट भी है और सीक्वेंशियल भी आपको पढ़ना है। तो ये सर देखो, आप यहाँ पर डिकोडर्स भी हैं, सीक्वेंशियल सर्किट भी लिखा है, कॉम्बिनेशन भी है, मल्टीप्लेक्सर्स भी आपको पढ़ना है। तो पूरा का पूरा डिजिटल का सिलेबस भी आपको देखना है ए टू जेड, ठीक है ना। देन वी हैव बेसिकली द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में भी आप देख पा रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम है। सर आप बार बार ये टर्म यूज़ करो, कंप्लीट, एक्चुअल में जो हमारी टीम पढ़ा रही है, अगर आपने देखा होगा, चाहे वो डिजिटल के सर हो, पंकज गर्ग सर हो, चाहे आपके कंट्रोल सिस्टम के हरिओम सर हो या पीयू सर हो, आप देखते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस वो करा देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कई बार कई एग्जाम्स में थोड़ा कम आता है, तब भी अपन ट्राई करते हैं कि हर एक टॉपिक को कवरअप करें। अगर आप देखें यहाँ पर पूरा कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है, आप सर की कॉपी को उठाएं, आप देखेंगे उसमें हर एक टॉपिक आपको दिख जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से दिस कि आपको उसी को पूरा पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना है, एमसीक्यू लगानी है, और साथ के साथ
जो प्रीवियस ईयर आपके एजी क्वेश्चन उनको आपको करना है, मेजरमेंट भी है जो कि आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा मेजरमेंट भी है। फिर इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें आपको गॉस लॉ, एम्पियर लॉ, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये सारा कुछ आपको MFT पढ़नी है, जिसको MFT आप कहते हैं, तो जो कि ईजी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए MFT कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको कॉलेज टाइम में या अपन लोग खुद ही पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्यूटर, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, क्योंकि वैसे इसमें 805 आपको आते ही माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ते ही रहते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको CPU, IO ऑर्गेनाइजेशन, यानी थोड़ा सा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर भी देखना आपको है जो पढ़ना है। एंड लास्ट में मेरे पास लास्ट क्या, बेसिकली वी हैव अ 9 टॉपिक एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन ही पढ़नी है। कम्युनिकेशन में आपको एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन भी देखना है, जो कि सिलेबस आपका लिखा हुआ है। AM/FM, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सारा कुछ पढ़ना है। यानी इसमें आपका डिजिटल भी है और आपका कहीं ना कहीं एनालॉग भी है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पढ़ना है, जो कि कुछ हद तक बात करूँ तो किससे रिलेटेड है, वही अभी जो बताया मैंने आपको, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसे कह सकते हो आप। ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको पढ़ना है, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। ठीक है, तो जो भी टीचर्स ने पढ़ा रखा उसको आप पढ़ें और रिवाइज करें। रैंडम, ये बेसिकली वापस से कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि रैंडम सिग्नल्स है ना, रैंडम सिग्नल्स प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन थ्योरी, सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दी ओर डिजिटल कम्युनिकेशन, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी MFT का पार्ट है ना, दिस इज पार्ट ऑफ द MFT कहीं ना कहीं। तो ये टॉपिक जरूरी उन्होंने अलग अलग लिख रखे हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं MFT का पार्ट है। ओके, यहाँ पर आपको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, इट्स पर वर्किंग प्रिंसिपल, फ्लेक्स क्रिस्टलॉन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना यहाँ पर है। देन वी हैव ए नेक्स्ट टॉपिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सिलेबस है, छोटा सा है, बट वी कैन डिस्कस। यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कवरअप कर रखी है। AC to DC कन्वर्टर भी है, DC to DC भी है, AC to DC भी है, सारे कन्वर्टर आपके पास हैं। ये भी आपको सिंगल फेज एंड 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी, अच्छा खासा सिलेबस इसका भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ना आपको है। पावर इंजीनियरिंग फिर इसको भी आपको देखना है एक बार, देखिए एक बार आपको बता दूँ है ना। और इसके बाद 15वां नंबर टॉपिक आपके पास कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजरमेंट एंड मेजरमेंट सिस्टम भी, यानी जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली मैं इन्होंने क्या कर रखा बताता हूँ आपको, जस्ट लास्ट 2-3 और बचे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंपीडेंस ब्रिज मेजरमेंट, देखिए एक मेजरमेंट, दो मेजरमेंट, तीन मेजरमेंट, देन चौथा भी, 17वां भी जो टॉपिक है मेजरमेंट। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या कर रखा है, जरूर आपको 17 टॉपिक लिख रखे हैं, लेकिन इसमें 3-4 जगह तो मेजरमेंट ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2-3 जगह तो कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, एक आध जगह आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको, जब समराइज करेंगे तो 8-10 टॉपिक ही होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जो टॉपिक्स बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, बट आपको ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कोई डेप्थ में नहीं जाना है, यानी हर एक टॉपिक को टच करना है। आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 17 टॉपिक लिखे हैं, बट 17 वास्तविकता में नहीं है, समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट इज दैट है कि टोटल 10 ही टॉपिक होंगे, इनको आप देखो 4 जगह मेजरमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि अपन ये जो CRO वगैरह कहाँ पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं, तो आप मेजरमेंट पढ़ लिए खत्म, एक ही सब्जेक्ट तो मानोगे। अब लिखने के लिए इन्होंने टॉपिक वाइज अब अलग अलग लिख दिया, तो इसको देखिए आपको घबराना नहीं है। 10 एक टॉपिक है इनका, आपको सिलेबस अच्छे से आपको उन्होंने समझा ही दिया है। इनके हर एक टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस एक बार हर एक टॉपिक का आपको अगर आइडिया रहेगा तो आप बड़े अच्छे से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और इसके सिलेबस को कवरअप कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस सिलेबस आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और 100% आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी, और पढ़ने के लिए बता दिया कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है और बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक ठीक क्वेश्चन लगा लो, दैट्स इट, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ आ चुकी है। थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।